सो फाइनली दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो मेरे मेल सेक्शन के अंदर आपको ब्लैक हिपो, ब्लैक सकुरा और सीजन 1 से लेकर सीजन 5 तक के जो ब्लैक वर्जन बंडल्स है मुझे मेल सेक्शन के अंदर मिल चुके हैं। अरे बाबा, अब चलिए यहाँ पर मिल तो चुके हैं, क्लेम के बटन पे क्लिक करके इनको क्लेम भी कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे बंडल्स क्लेम हो गए हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अभी क्लेम होने के बाद में वॉलेट सेक्शन में जाके देखेंगे कि हमें कौन कौन से बंडल मिले हैं। वॉलेट सेक्शन में हम जाएंगे और वॉलेट सेक्शन में जाने के बाद में बंडल्स वाले सेक्शन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे मिल चुका है सीजन 4। और चूना लगा दिया। फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो बंडल्स क्लेम किए थे वो मुझे यहाँ पर नहीं मिले। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि शुरुआत में आपने जो देखा वो क्या था। गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुरुआत में आपने जो भी देखा है वो एक एडिटिंग थी, वीडियो एडिटिंग के थ्रू मैंने आप लोगों को दिखाया है कि मैंने क्लेम किया, ये किया, वो किया। तो अभी आप लोगों के मन में एक भी और सवाल होगा कि आपके पास ये जो सीजन 4 है ये कैसे आया। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे फ्री फायर में जो लक रॉयल आया है, नया लक रॉयल आया है हॉल ऑफ इलाइट का, इसके अंदर मैंने जो सीजन 4 है वो निकाल लिया था। और सीजन 1 और 2 निकालने के लिए मेरे पास देख ही सकते हो कि कितने टोकन हो गए हैं। देख सकते हो 176 टोकन हो गए हैं। 4 टोकन और होते ही मैं सीजन 1 या फिर जो सीजन 2 है वो यहां पर आपको निकाल कर दिखा दूंगा। तो ओवरऑल आप समझ रहे होंगे कि यार मैंने ये निकाल कर क्यों दिखाया, ये भी आपके मन में सवाल होगा। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज के दिन हमें कुछ बंडल्स मिलने वाले थे, जिसके अंदर आप देख ही सकते हो न्यूज सेक्शन में हमें आसानी से बताया गया है कि हमारा जो सीजन 1 है, सीजन 2 है, सीजन 3 है, ये बंडल्स हमें मिलने थे। आप लोगों को बताओगे कि 25 तारीख को ये मिलने थे, लेकिन 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 गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं कि यहां पर किन किन बंदों को मिलेगा। मतलब सभी को तो मिलना है नहीं, आप देख ही सकते हो पोस्टर में कि सिंपली भाषा में बताया गया है कि ये आपको मिलेगा 25 दिसंबर को। तो आज 25 दिसंबर है, आपको मिले या फिर नहीं मिले। तो बहुत सारे यूट्यूबर क्या है कि कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें कि भाई हमें मिल गया, हमें मिल गया। और बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस भी है कि हमें भी मिल गया, हमें भी मिल गया। तो लेकिन गाइस मैंने जब उनका वीडियोस देखा तो मुझे पूरी तरीके से समझ आ गया कि वो अपने व्यूअर के साथ एकदम तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं, अपने व्यूअर को झूठी जो इंफॉर्मेशन है वो दे रहे हैं। वो क्लेम करके दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे क्लेम करने का बटन मिल गया और मैंने क्लेम भी कर लिया, आप देख ही सकते हो। लेकिन गाइस रियलिटी वो ये है कि उनको मिला नहीं है, वो उन्होंने सिर्फ वीडियो एडिटिंग के थ्रू यहां पर क्लेम करके दिखाया है, रियल में उनको मिला नहीं है। अभी बात करते हैं कि फ्री फायर ने खुद कहा है मिलेगा। तो गाइस मिलेगा जरूर, लेकिन किसको मिलेगा यह भी आपको समझने की जरूरत है। जी हां दोस्तों, मिलेगा जरूर लेकिन सभी को नहीं मिलेगा। यहां पर सिंपली भाषा में फ्री फायर ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके बताया है कि यह जो चीज है ओनली फॉर प्लेयर वो ओवर्ल्ड इलाइट पास सीजन 1 से लेकर सीजन 5 तक के बंडल बिफोर 21 दिसंबर 2022। इसका मतलब यह है कि ये उनको ही मिलेगा जिनके पास 21 दिसंबर 2022 से पहले जिनके पास था, मतलब 21 तारीख से पहले जिनके पास सीजन 1 से लेकर सीजन 5 तक के जो बंडल्स थे वो अगर उनके पास है तो उनको ब्लैक वर्जन वाला बंडल मिल जाएगा। क्योंकि देखिए गाइस ये जो बंडल्स है रेयर बंडल थे, उन लोगों को ही मिलेगा जिनके पास पहले से ऑलरेडी थे। मतलब कुल मिला के फ्री फायर ये कहना चाह रहा है कि ये सभी को नहीं मिलेंगे, उन्हीं को मिलेगा जो 21 तारीख से पहले उनके पास थे। मतलब ये जो हॉल ऑफ इलाइट वाला इवेंट आया ना, ये इवेंट आने से पहले जिनके पास सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, 5 और 7, 5 तक के जो सीजन के बंडल थे इलाइट पास वाले वो उनके पास थे तो उनको मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। अभी क्या है कि जो मेल सेक्शन में मेल कम में आपको दिखा रहे हैं बंदे की, ये देखो मुझे मिल गया, तो वो उन लोगों को मिला है जिनके पास ऑलरेडी था, पहले 21 तारीख से पहले था ना, उन लोगों को मिला और उन लोगों से वीडियो क्लिप उन लोगों ने ले ली और अपने वीडियो में दिखा रहे हैं कि मुझे भी मिल गया। तो ऐसा नहीं है गाइज, ओके। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि आपको क्यों नहीं मिला और वो लोग आपको किस तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइज, ओके। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब कर देना, पास में आने वाले घंटे को दबा देना ताकि मैं आप लोगों का सपोर्ट पाकर कुछ जो यूट्यूबर है जो आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं उनकी जो असलियत आप लोगों के सामने ला सकूं। बाकी सपोर्ट तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।